अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं इंग्लिश की। आज हम बात करेंगे कलेक्शन विद आस्क कि आस्क को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आस्क को हम किस किस तरह से और कब कब हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है आस्क अ फेवर। किसी को हम कहते हैं ना कि आस्क अ फेवर, पूछो, किसी से फेवर लो। तो से हम एक वर्ड, एक लाइन, एक सेंटेंस बोलते हैं, कैन आई आस्क यू अ फेवर प्लीज। मतलब मैं आपसे फेवर के बारे में पूछ या फेवर ले सकता हूं काइंडली या प्लीज। सो हमारे पास सेकंड होता है यूज करने के लिए आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। बिल्कुल यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। Ask about. I want to ask you about something. I want to ask you about something. किसी चीज के बारे में आप पूछते हैं तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। Ask के साथ about का यूज भी होता है। So ask for advice. किसी को हम एडवाइस के बारे में भी पूछ सकते हैं। गो सी द डॉक्टर एंड आस्क फॉर एडवाइस। डॉक्टर के पास जाओ और एडवाइस के बारे में पूछो, कुछ एडवाइस लो, कुछ हिदायत लो। ठीक है, आस्क को हम एडवाइस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द आस्क फॉर डायरेक्शन। किसी से हम डायरेक्शन पूछते हैं ना तो तब भी हम आस्क का यूज करते हैं। कैन आई आस्क अ डायरेक्शन, क्या मैं डायरेक्शन पूछ सकता हूं। द कपल वॉज आस्किंग फॉर डायरेक्शन। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप आस्क के बारे में अच्छे से जान सकें। आस्क फॉर परमिशन, यू शुड आस्क फॉर परमिशन बिफोर लिविंग। किसी जगह पर रहने से पहले हमें जो है उसकी परमिशन जानना जरूरी है या जाननी चाहिए। यू शुड आस्क फॉर परमिशन बिफोर लिविंग। आस्क समबडी आउट, ही आस्क्ड हर आउट फॉर डिनर। आप किसी से डिनर के बारे में भी पूछ सकते हैं तो हम वहां पर भी आस्क्ड का यूज करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप न्यू से न्यू इंग्लिश की चीजें यहां पर सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।